Domestic violence, it's something that takes place across our society and yet it is shrouded in silence. ये पहली बार नहीं है जब घरेलू हिंसा का कोई हाई प्रोफाइल मामला सामने आया हो. A woman was raped in broad daylight. One in three Indian women between the age group 15 and 49 have experienced physical violence. What is it that you believe as a nation we need to do collectively to turn this outrage into deterrence? हमारे देश में या फिर दुनिया में किसी भी जगह जो वायलेंस अगेंस्ट वुमन होता है, फिर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, उसका हम एक ही सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कितनी कठोर शिक्षा हम लोग दे सकते हैं. बट अगर आप उसको बारीकी से देखो तो वो व्यक्ति जो इस प्रकार की हिंसा करता है वो हमारे समाज का हिस्सा है. अगर हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है तो आपको उन लोगों के साथ काम करना होगा जो ये हिंसा करते हैं. और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मेन अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज, ये पिछले 27 सालों से पुरुषों के साथ, कॉलेज के लड़कों के साथ और बस्ती के लड़कों के साथ काम करती है. और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसे रोकने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को, लड़कों को संवेदनशील बनाना है, उनको सोचने पर मजबूर करना है कि क्या चीज़ें हैं जो आपको ये वायलेंस करने के लिए मजबूर करती है. अब मुझे बताइए कि कितने लोग इस चीज़ को लेकर अग्री है कि बाय बर्थ लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के स्ट्रांग होते हैं. मैं मानता हूँ कि यहाँ संख्या काफ़ी कम है, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने विचार हमको रखने हैं. फिलहाल मावा मुंबई यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस के साथ एक्सटेंसिवली काम कर रहा है और हम लोग हर कॉलेज में 3 से 4 वर्कशॉप्स लेते हैं जिसमें व्हाट इज़ अ जेंडर, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है या नेचुरली कंस्ट्रक्टेड है. जब हम लोग उनके साथ एक्टिविटीज़ लेते हैं कि आपके घर में कामों का बंटवारा कैसा होता है, तो सबसे पहले घर में कौन उठता है, तो वो माँ उठती है. सबसे आखिरी में कौन सोती है, तो माँ सोती है. पिताजी क्या करते हैं, तो वो बाहर जाकर कमाते हैं. तो ये जो सारी चीज़ें उनको मालूम है, बट जब वो जेंडर लेंस के साथ देखना शुरू करते हैं और उनको जब मालूम होता है कि यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, तो लड़के फिर बोलना शुरू करते हैं कि हाँ, मतलब आज के बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पे जाऊँगा या फिर मैं कॉलेज में रहूँगा, मैं किसी भी लड़की को, लड़के को या फिर किसी ट्रांसजेंडर को कभी छेड़ूंगा नहीं, कभी उनको टॉन्ट नहीं मारूंगा, मैं हर किसी के जेंडर आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करूंगा. तो ये सारे बदलाव धीरे 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 हमको देखने मिलते हैं. जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है रोहित का. रोहित जो पहले साल हमारे साथ जो आया था, तो वही हेट्रोसिस काइंड ऑफ मेल पर्सन था जो, हाँ, लड़कियों को छेड़ना तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है. बट इवेंचुअली हमने देखा है कि वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है. ऐसे मुद्दों पर जब वो बात करता है तो वो कहता है कि नहीं, हमको चेंज की तरफ फोकस करना पड़ेगा, रादर देन कि हम लोग हर बार ब्लेम करें कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, आप उनको कभी बदल नहीं सकते. तो जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में आया तब मावा से जुड़ा. उससे पहले मैं जेंडर के शब्द ही नहीं पता थे मेरे को, जेंडर क्या होता है. जेंडर स्कूल में ग्रामर में पढ़ाया था कि वहाँ पे पहली बार सुना था कि मेल, फीमेल और अदर्स करके. जब मावा में पहली बार गया तो मावा में वहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स हुआ, तो पता चला कि मतलब जेंडर क्या है और हम समाज में जेंडर को किस तरीके से देखते हैं. मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आजू बाजू के जो यंग स्कूल जाते बच्चे हैं उनसे इंटरेक्ट करके बात कर सकूँ, उनको कुछ भी हो सकता है जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सकूँ, और मैं कैसे कम से कम मतलब ये चीज़ को हार्म कर सकता हूँ, बहुत कॉन्शियसली वो चीज़ का ध्यान देता हूँ. पहले मैं मावा के साथ बहुत वॉलेंट्री वर्क करता था बिकॉज ऑफ माई कॉलेज, लेकिन अभी जैसे मेरा कॉलेज कम्प्लीट हुआ है तो मावा के जो कॉलेज में जेंडर सेशंस होते हैं उसमें मैं ओरिएंटेशंस देने जाता हूँ, और साथ ही साथ मैं मावा में जो मेन जो अवेयरनेस का काम होता है स्ट्रीट प्ले का, तो उसमें मैं मोस्टली मेंटिंग का काम करता हूँ, एक्ट करता हूँ. आजादी है पुरुष सत्ता से, आजादी है पुरुष सत्ता से, आजादी है पुरुष सत्ता से, आजादी है पुरुष सत्ता से.
हर साल की तरह इस साल भी SNDT कॉलेज में हम लोग एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक का जो नाम है वो है साचे की दुनिया, साचे में दुनिया। एक लड़का, एक लड़की या फिर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेकर पैदा होने वाला बच्चा हर एक बाइनरीज में फिक्स हो जाता है। जैसे कि मैं लड़का हूँ तो मेरी मूंछ होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, मैंने कमा कर लाना चाहिए, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ की रक्षा करनी चाहिए, चाहे मैं इस काबिल हूँ या नहीं हूँ। अगर मैं एक लड़की हूँ तो मैंने घर संभालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, पढ़ना एक हद तक ही चाहिए। हाँ बेटा बोलो। पापा मैं सिलाई क्लास जाऊँ क्या? बेटा सिलाई क्लास जाएगा? ना ना। लड़कियों वाले काम करेगा? ना ना। परिवार की इज्जत डुबाएगा? पापा मैं फुटबॉल क्लासेस जाऊँ क्या? लड़की फुटबॉल क्लास जाएगी, लड़कों वाले काम करेगी, घर वालों की इज्जत डुबाएगी। तो एक साचा है कि मर्दों ने कैसा रहना चाहिए, औरतों ने कैसा रहना चाहिए, ट्रांसजेंडर पर्सन ने कैसा रहना चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि ये सारे साचे तोड़ दिए जाएं। एक गौरव सोलंकी नाम के काफी वेल नोन राइटर है जिन्होंने आर्टिकल 15 नाम का एक मूवी भी लिखा है, और उनकी कविता है मैं अक्सर पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते मर्द, ना ज़्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छिपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है, दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। अभी तक मर्दों को, पुरुषों को प्रॉब्लम के रूप में देखा गया है। हम ये कोशिश करना चाहते हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मर्द पुरुष इस प्रॉब्लम का हिस्सा ना होके इस सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा हिस्सा हो, और ऐसी सोसाइटी हमारी बने, ऐसा समाज बने कि जहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस बिल्कुल भी ना हो।